बड़वानी जिले के झुलवानिया में फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ा। बीएमओ के अनुसार 60 वर्षीय मरीज ने घबराहट में दम तोड़ दिया। अनलॉक 2 के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब तक जिले में 846 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं रात को झुलवानिया निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति ने भी एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। बीएमओ के अनुसार मरीज और एक युवती को एम्बुलेंस झुलवानिया से लेकर निकली थी, जहां युवती को सालखेड़ा आइसोलेट वार्ड में भर्ती कर 60 वर्षीय मरीज को लेकर बड़वानी के लिए रवाना हुई थी। तभी रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने से मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। बड़वानी से अतुल को मौत की रिपोर्ट। सर, एक पॉजिटिव मरीज की मौत हुई। हाँ जी, अभी DHO1 सर का फ़ोन आया है। एक पेशेंट मृत्यु की पुष्टि हुई है, जो कि झुलवानिया का है। आज वो पॉजिटिव आए थे, तो उनको RRT MMU द्वारा जाके चेक करके उनको जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया। रेफर करा तो वो जब समाचार सुन के थोड़े से वो घबरा गए थे, तो उसके बाद में वो एम्बुलेंस में बैठे, खुद पैदल चल के बैठे, और घबराहट ज़्यादा थी तो एम्बुलेंस में उनको ऑक्सीजन लगा के भेजा। और साथ में एक और पॉजिटिव लड़की, हाँ, झुलवानिया की, जो कि हमारा बीच में कोविड केयर सेंटर है, वो भी साथ में बैठ के गई, और सालखेड़ा तक वो भी उसी एम्बुलेंस में थी, और बड़वानी भेजा गया था उनको। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही से। लापरवाही तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं, हमारी RRT MMU टीम दोनों गई थी सुबह, और वो जब वो देखने गए थे तो उनका स्क्रीनिंग करते हम भेजने के पहले, कि इनको कोविड केयर सेंटर भेजना है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भेजना है। तो उस दौरान वो स्टेबल थे, और MMU के टीम हमारे जो डॉक्टर मनोज कदम है, उन्होंने देखा भी था उनको। और उस दौरान वो जब समाचार सुन के घबराहट ज़रूर उनको हो रही थी, तो तत्काल उनको फिर एम्बुलेंस 108 को फ़ोन लगा के उसको बुलाया गया, और उनको जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। वो घबरा भी रहे थे, और वो अकेले जाने से मना भी कर रहे थे, तो रास्ते में हो सकता है कुछ घबराहट के कारण उनको दिक्कत आई हो, अदरवाइज वो एम्बुलेंस में खुद ही पैदल चल के बैठे और ऑक्सीजन लगा के ही गया साथ में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।